कर्नाटक में कांग्रेस से हार मिलने के बाद भाजपा ने राजस्थान में वापसी के लिए फुल प्रूफ प्लान बनाया है। दक्षिण राज्यों में जहां पार्टी का चुनावी अभियान भ्रष्टाचार और 40% कमीशन शुल्क पर केंद्रित था, वहीं अब राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मई को अपने अजमेर रैली में इसके संकेत दिए थे। तब उन्होंने राजीव गांधी के उस बयान का जिक्र किया था जिसमें पूर्व पीएम ने कहा था कि सरकार द्वारा आवंटित 1 रुपये में से जनता को 15 पैसे मिलते हैं, 85 पैसे बिचौलिए खा जाते हैं। पीएम मोदी ने इसे 85% कमीशन बताया था। भाजपा ने तब से गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार और कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाया हुआ है। राजस्थान के प्रभारी भाजपा महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 3 सालों में भ्रष्टाचार के मामलों में 22% की वृद्धि हुई है। प्रदेश में भ्रष्टाचार को अहम चुनावी मुद्दा बनाने में भाजपा ने ऐसे समय पर फैसला लिया है जब कांग्रेस नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा निर्णायक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पायलट का सीएम गहलोत के साथ काफी समय से विवाद चल रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच शुरू करने का आग्रह किया है। भाजपा के सूत्रों का कहना है कि भ्रष्टाचार एक मुद्दे के रूप में उजागर करने से पायलट के कदम से पार्टी को राज्य सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव बनने की मदद मिली है। भाजपा नेताओं का कहना है कि जिस तरह से कर्नाटक में भाजपा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के नारे मतदाताओं के बीच गूंज रहे थे, ठीक उसी तरह भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर उन्हें भी बैठे बिठाए कांग्रेस सरकार के खिलाफ नैरेटिव का मौका मिल गया है। पायलट के द्वारा उठाए गए मुद्दों के कारण भाजपा को कांग्रेस सरकार के खिलाफ चुनाव में लड़ने का एक मौका मिल गया है। अब देखना होगा कि भाजपा के द्वारा उठाए गए इन कदमों से उन्हें कितनी सफलता मिलती है। लोकवार्ता न्यूज जयपुर।